दुआवा मंगदा मैं जिथे जिथे जावा हीरिए संग मैं लड़दा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोमिक। तो गाइस, प्रीव्यू पर आप लोगों ने जिस तरह की स्टेटस वीडियो देखा, आज हम लोग उसी तरह की स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इसी तरह की स्टेटस वीडियो खुद का फोटो से या फिर किसी और का फोटो से, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे आप लोग इस तरह की स्टेटस वीडियो अपने फोटो से बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करते हुए। और गाइस, इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा जिसका नाम है काइनमास्टर। तो जिसके पास भी काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि मैं उधर काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। उधर से बहुत ही आसानी से आप लोग लिंक पे टच करके काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना होगा। तो गाइज, आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। और एक बात गाइज, जिसने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। और गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर आपकी स्क्रीन पर ऐसे इंटरफेस नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है वो ओल्ड वर्सन है, ठीक है, वो पुराना वाला वर्सन है, और जो मेरे पास है ये नया वाला वर्सन है। तो क्या करना होगा, आपको वो पुराना वाला डिलीट करके ये नया वाला इंस्टॉल कर लेना होगा, वो भी मेरा लिंक से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो इधर आपको ये क्रिएट न्यू पे टैप करना है। क्रिएट न्यू पे टैप करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 3:4 जो रेशियो है इधर, तो इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको टैप करना होगा, और ऊपर जो नेक्स्ट है उसको टैप करना होगा। तो इसके बाद आपका एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपका गैलरी पे जो भी फोटो और वीडियो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से आप लोग एक फ़ोटो यूज़ कर लेना, जिस फोटो से आप लोग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस फोटो को इधर इनपुट करना होगा, ठीक है। तो मैं इधर से एक फ़ोटो इनपुट कर लेता हूँ। तो फोटो को इनपुट करने के बाद इधर जो ऊपर वाले जो टिक का ऑप्शन है राइट का, तो उसको टैप करना है। टैप करने के बाद इधर देखो फोटो आ गया, ठीक है। तो इस पर फोटो पे और एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद इसको इधर से खींच के बहुत लंबा कर लेना है, ठीक है। आप जितना दूर ये स्टेटस वीडियो करना चाहते हो, ठीक है, जितना बड़ा ये स्टेटस वीडियो करना चाहते हो उतना बड़ा इधर इसको खींच लेना है। तो मैं इधर 15 सेकंड खींच लेता हूँ, ठीक है। 15 सेकंड कर लेने के बाद इधर से मैं फर्स्ट में आ जाऊँगा। फर्स्ट में आने के बाद आप लोगों को बीच में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो फोटो है, तो इस फोटो को इधर से 2 fingers में लेके जूम करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके पूरा फुल स्क्रीन कर लेना होगा। तो फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आप लोगों को इधर पे एक सिंबल दिख रहा होगा, तो इस सिंबल पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये रेड हो जाएगा। तो इधर से आप लोगों को बैक करना होगा, बैक करने के लिए इधर एक क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इतना दूर हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ी देर नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आप लोगों को विग्निटी नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो इस विग्निटी ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल करना है, ठीक है। तो इसे टैप करना होगा और ये इनेबल हो जाएगा। तो इधर आप हमारा काम हो गया। तो इधर से आप लोगों को टिक करके बैक कर लेना है, ठीक है। तो इतना दूर होने के बाद आप लोगों को एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट कहाँ से मिलेगा, तो उसका लिंक भी मैं 2 ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उस दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो इफेक्ट नंबर 1 इफेक्ट नंबर 2 करके। तो उधर से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद वो गैलरी पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप लोगों को इधर पे एक एक करके इनपुट करना है, ठीक है, एक एक करके लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इधर जो मीडिया ऑप्शन है ऊपर वाले, तो इस मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो इधर से आप लोग उस दो जो वीडियो इफेक्ट है ना, उसको उसमें से एक को इधर इनपुट करना है, ठीक है। तो मैं पहले एक को इनपुट कर लेता हूँ। तो इनपुट करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखेगा, ठीक है। तो इसको फुल करना है, ठीक है, फुल स्क्रीन में करना है। तो इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए इसको इधर से खींच के फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है।
तो फुल स्क्रीन हो जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इधर से आप लोगों को दिख जाएगा ब्लेंडिंग नेम का एक ऑप्शन, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो इधर से आप लोगों को स्क्रीन इफेक्ट स्क्रीन जो ऑप्शन है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दिख रहा है इधर पे स्क्रीन ऑप्शन है तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इधर से बैक कर लेके हम लोग इधर पे आ जाना है, ठीक है। फिर से और एक इफेक्ट जो है उसको भी हम लोगों को इधर इनपुट करना है, तो उसके लिए एक ही प्रोसेस सेम प्रोसेस लेयर ऑप्शन इधर मीडिया ऑप्शन के जाने के बाद उस जो वीडियो को इधर ला रहा है। तो इधर ये आ गया, इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ऐसे फुल स्क्रीन खींच के फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन जाने के बाद इधर से स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद इधर से डन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे एक ऑडियो ऐड करना है, ठीक है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए आप लोगों को पहले फर्स्ट में आ जाना है, ठीक है। बीच में से नहीं, इधर से नहीं, फर्स्ट में आ जाना है। तो इधर से आप लोगों को एक ऑडियो इनपुट करना है। तो ऑडियो इनपुट करने के लिए इधर दिख रहे हैं ना एक ऑडियो का ऑप्शन, इधर भी जा सकते हैं। इधर पर जाने के बाद इधर जो सॉन्ग ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं आपने जो म्यूज़िक प्लेयर पे जितना भी म्यूज़िक जितना भी सॉन्ग है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को एक सिलेक्ट करने लगा है, तो जिसको मर्जी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर से नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा एक वीडियो है, तो उस वीडियो से मैं ऑडियो को इधर लाऊँगा। तो कैसे लाना है, कुछ एक स्टेटस वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या फिर कुछ भी एक डाउनलोड कर लिया स्टेटस वीडियो, ठीक है। तो उसका ऑडियो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, उसके लिए हम लोगों को लेयर पे जाना होगा, फिर मीडिया पे जाना होगा, ठीक है। तो जाने के बाद आप लोगों को उस स्टेटस वीडियो को इधर इनपुट करना है, ठीक है। तो मैं इसको इनपुट कर लेता हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप लोग इस साउंड को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्टेटस वीडियो को इधर से इधर पर लाने के बाद आप लोगों को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दिख रहा होगा एक ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। इधर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, तो इस पर टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे, दो बार टच हो गया इसलिए दो आ गया, तो एक को हम लोग डिलीट कर देते हैं इधर से। तो देख सकते हैं एक नीचे एक आ गया है ऑडियो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वीडियो हम लोगों ने इधर इनपुट किया है जो स्टेटस वीडियो को, उसको इधर से डिलीट करना है क्योंकि इसका साउंड ले लिया, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए तो इधर जो डिलीट ऑप्शन दिख रहा है तो इसको टैप करना है। तो देख सकते हो इधर से वो वीडियो डिलीट हो गया और उसका ऑडियो यहाँ पर रह गया। तो हमारा स्टेटस वीडियो पूरा पूरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को क्लिक करके चेक करके बता देते हो, देख सकते हैं आप लोग प्ले करके देखा देते हो। तो देख सकते हैं इधर पे हमारा जो स्टेटस वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर जो इस ऑप्शन को दिख रहे हैं तो इसको टैप करना है। टैप करने के बाद इधर से ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसको आप लोग जैसा मर्जी HD या फिर फुल HD करके इधर से जो भी एक 50-60 जो भी एक करके इधर नीचे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है तो इस एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसको एक्सपोर्ट का ऑप्शन के क्लिक करने के बाद इधर से देख सकते हो ये वीडियो एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो गया। ये एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग इसको अपने गैलरी पे देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से ज़रूर एक लाइक कर देना, और इस चैनल में नए है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस आज इतना